हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, ब्लॉग काफ़ी टाइम के बाद आया है आप लोगों के पास। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड, बहुत दिन के बाद मैंने ब्लॉग बनाया है क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। लाइफ में उतार चढ़ाव चला रहता है और बारिश का मौसम बना हुआ है, तो मैंने सोचा आज के ना आपके साथ ब्लॉग शेयर किया जाए। और काम अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो मन काम करने में बिल्कुल नहीं करता है। और मैं किसी से मिलाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी लूसी है जिसे हमने ख़रीदा नहीं है। और ये ना बस ऐसी बाहर इसकी मम्मा ने छोड़ दिया था, तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कहते हैं, तो हम इसे पाल रहे हैं। हम क्या पाल रहे हैं, सबको ऊपर वाला पालता है, तो फिलहाल ये हमारे साथ ही रहती है। क्यों लूसी को कौन बच्चे को कौ में बच्चे को शोना को लूसी तो ना ये आके सो जाती है बेड पे। देखिए ये मेरा बेटा, ये देखो खेल रहा है। तो ना इसको हम अपने साथ ही रखते हैं और ये खूब आराम से सोएगी। देखिए जब तक बच्चे नहीं है तो आराम से सोएगी लूसी। अरे तो बच्चों को ठंडी लग गई का? ओहो ओ लग रहा है तबीयत खराब हो गई, सर्दी हो गई। कौवा तो नहीं, बारिश में चली गई थी। हम लोग जब जा रहे थे ना जोया और समीर को छोड़ने, तो ये बारिश में गीली हो गई थी। मुझे लग रहा है इसी की वजह से इसको जुकाम हो गया है। जब हम जाते हैं ना बाहर स्कूल वगैरह, तो ये पीछे पीछे आ जाती है हमारे। और जब तक तो बैठ ही जाती थी, तो मैं इनको ड्रॉप करके बच्चों को ना आ कौन बच्चे को लूसी को। तो अब ये हमारे साथ आपको हमेशा ब्लॉग में मिलेगी। देखिए कितनी प्यारी है ना लूसी, और बहुत समझदार है ये, बहुत समझदार बहुत समझदार है, बहुत ही ज़्यादा बच्चा है, बहुत ही। ऐसे दिन भर इससे टाइम पास होता रहता है, इसे भी मज़ा आता है खेलने में। और बहुत कमज़ोर है क्योंकि खाना ना बहुत कम खाती है, इसको ना ज़्यादा चिकन पसंद है। और दूध वाली चीज़ें बहुत कम खाती है और इसको ना हजम भी नहीं होता, लूज मोशन हो जाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ दूँ। लूसी तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ। आप लोग सोचेंगे किस लिए कर रही हूँ, नहाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ सब सफाई करूँ, ये बहुत ना चिपचिपे हो गए बारिश की वजह से। और मैंने सारे सामान ये देखिए यहाँ निकाल के रख दिया है। दाल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, चीनी और नमक यहाँ रख दिया है। इन्हें देखिए तो फटाफट से यही सब सफाई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहना आप लोग। तो फ्रेंड, बच्चों को लेके आ गई हूँ और बारिश में आज मैं इतना बुरी तरह फंसी हूँ ना। मंडे था और मंडे के दिन वैसे ही रश होता है बारिश। दोपहर में छुट्टी के बाद जैसी छुट्टी हुई है, इतनी बुरी तरह बारिश हुई है। और बारिश में सारी बुक्स वगैरह कितना कवर किया हमने, फिर भी बारिश में एक दो बुक गीली हो ही गई है। समीर की तो जेल पेन से होती है ना, इस वजह से बुक्स में ख़राब हो जाता है बुक्स। और यहाँ पे मैंने सारी सफाई भी कर ली और थोड़ा सा दलिया चढ़ा दिया ताकि हम लोग थोड़ा हेल्दी खा सकें। और क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने पराठे खा लिए थे, एक एक आटा थोड़ा सा लगा हुआ था, मैंने सोचा एक एक पराठा खा लेते हैं, फिर कुछ हल्का सा हेल्दी सा दलिया खा लेते हैं। तो जोया को मैंने भेजा था सामान लाने के लिए, जोया सामान लेके आ गई है। जोया कह रही है बारिश बहुत था नहीं, मगर पानी बहुत भरा हुआ था मम्मी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और जब उसको से आने के बाद ना हम लोग सब गीले हो गए थे, उसकी वजह से हमें ठंड सी लग रही थी और सब सो गए थे। यहाँ पे समीर और जोया भी सो गए हैं, मैं यहाँ पे बना रही थी खाना। तो वैसे एक एक पराठा खा लिया था बट सो गए हम। तैयारी भी कर ली है, तो मैंने सीखा फल काटा है। आप पंपकिन कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, प्याज सब चॉप कर लिया। बस सिंपल सी बनाऊँगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी, काफ़ी लोग नहीं खाते हैं। और यहाँ दलिया बनाया था जो रखा हुआ है, और अभी तक बुक्स की नहीं है। और शुक्र ही देखो कहाँ बैठी है, ये भी हमारे साथ सो गई थी। तो चलो चलते हैं खाना बना लेते, पहले शाम की तैयारी कर लेते।
हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और ये काफ़ी टेस्टी बनती है इस तरीके से, तो सूखी सूखी। और हल्का सा मैंने इसमें चीनी भी डाला है ताकि इसको बैलेंस करे बिल्कुल ज़रा सा। और इस आटा लगा दिया है मैंने, तो खाएंगे तभी बन जाएगा। और मेरी समीर भी साथ में सो गया है, क्या ही बता सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे साथ में लूसी भी सो गई है, क्या ही करें। फ्रेंड्स चलिए, और वो रात हो गई है, काफ़ी शाम हो गया है, रात में गई है। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।